हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ गाड़ी का टॉपिक नहीं लेके आया हूँ, जैसे कोई मॉडिफिकेशन के बारे में। मैं कुछ फीलिंग्स हर्ट हुई है मेरी और मेरे मेरे रिलेटिव की या मेरे गांव की, उसके बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। जो कि ऐसे बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत मजाक में लेते हैं, एक्चुअली उसका मजाक भी उड़ाते हैं, और वो हर टाइम पे हमें फील होता है, मतलब और फील होता है, मतलब वो चीज़ ऐसे कुछ है नहीं, उसके बारे में लोग बात करते तो फील होएगा ही। मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि ये जो बहुत सारे लोग हैं जो इस पे मजाक करते हैं, अलीबाग से आया है, मुझे आज तक पता नहीं चला कि ये अलीबाग से आया है क्या, मीनिंग क्या है। ये लोग बोलते और हंसते लेकिन इसका मीनिंग नहीं पता चला आज तक, बिकॉज मुझे मेरी खुद की 6 पीढ़ियाँ गई अलीबाग में, मेरी 7वीं पीढ़ी है, 6 पीढ़ियाँ गई, मेरी 7वीं पीढ़ी है। ये 7 पीढ़ी में उसके पहले या बाद में मैंने कभी ऐसा सुना नहीं मेरे घर से कि अलीबाग से आया है क्या, क्या है, मतलब क्या है। लोग बहुत कुछ इसके लिए कुछ भी वायरल कुछ भी बोलते और इसका मजाक उड़ाते, और ये शुरुआत एक्चुअली ये बड़े लोग ही करते हैं जिनको मज़ा आता है इसमें सब चीज़ों में, ये वायरल करना, ये करना। जैसे अभी ये फिलहाल ही एक शो आया था इंडियन आइडल, जिसमें आदित्य नारायण जी ने शो में कॉमेडी किया था। वो कॉमेडी करते रहते, वो सबको हंसाते, लेकिन ये किसकी गांव के बारे, गांव का नाम लेके हंसाना, ये गलत बात है, बिकॉज ये फील करता है, आपको ही पता है। वैज हर सब लोग सैटरडे संडे जाते, ऐसा कोई नहीं बनता है बोलो बॉम्बे या इंडिया से जो अलीबाग नहीं गया है अपने पार्टी एंजॉय करने के लिए सैटरडे संडे को, मुझे बता दो। जाते फुल एंजॉय करते ओके, और उसके बाद आगे बोलते अलीबाग से आए, ये अलीबाग से आया क्या, मुझे मीनिंग नहीं पता चला। तो मैं वही कहना चाहता हूँ आदित्य नारायण जी, आपने सॉरी तो बोला, प्यारे अलीबाग और अलीबाग के भाई बंधुओं से क्षमा मांगता हूँ, वीडियो बना के। लेकिन आपने जो कॉमेडी किया था वो अकेले नहीं किया था, बराबर है, आपने इंडियन आइडल के शो में पूरी दुनिया के सामने ये कॉमेडी की थी और उसमें बहुत सारे लोग हंसे थे। तो अब इस शो में ही जाके सॉरी बोलोगे तो उसके वो चीज़ अच्छी होगी, बिकॉज और उस अलीबाग से आया का मीनिंग बताओ, आप सॉरी बोलोगे जब ना शो में जाके इंडियन में, तो उसका मीनिंग बताओ, तो हमें भी समझे कि ये अलीबाग से आया, ये क्या क्यों बोलते हैं और हंसते, मुझे भी तो मैं भी समझू ना कि मेरे गांव में क्या है इतना कि आप ऐसे बोल रहे हो। और अभी फिलहाल ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो बड़े लोग हैं ये आदित्य जी और ये सब, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। एक टिकटॉकर है नीता शिवलेकर, जिन्होंने अभी एक वीडियो बना, मतलब फोटोशूट करने के लिए वो बंदी अलीबाग गई थी, वो वहाँ से आने के टाइम पे उसने एक वीडियो वीडियो ब्लॉग बनाया था यूट्यूब पे, और उस ब्लॉग में उसने क्या कहा था देखो, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, चल लेके चल, अलीबाग रहती हूँ क्या मैं। ये आ रही थी तो उसका कोई फ्रेंड था साथ में रोहित करके, वो लोग बात कर रहे थे, वो उसको बोली कि अलीबाग से आया क्या, मैं अलीबाग रहती हूँ क्या, मतलब अलीबाग रहती हूँ तो फोटो शूट करने के लिए पूरी दुनिया छोड़ के अलीबाग जाती है और उसके बाद आने के टाइम पे बोलते हैं कि अलीबाग रहती हूँ क्या, मतलब उसने भी सॉरी बोला, ये बोलते और फिर सॉरी बोल देते, उसका जो फी उसको हर्ट हम लोग को होता है ना, बिकॉज हमारा ये गाँव है, हम लोग को पता हमारा गाँव कैसा है, हम लोग बचपन से वहाँ पर जाते आते, हमको पता है क्या चीज़ है हमारा गाँव, क्या चीज़ है पूरी दुनिया में। तो गाइज प्लीज़ ऐसा गलत शब्द मत निकालिए जो कि हमें फील होता है, हर्ट होता है। और दूसरी चीज़ ये आदित्य नारायण ने जो चीज़ किया है, जो कॉमेडी करते आप कॉमेडी करो, लेकिन किसके गांव के बारे में या किसके टॉपिक पकड़ के उसके बारे में कॉमेडी मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत गलत चीज़ है। ये देखो इसका भी आदित्य नारायण का वीडियो जिसने ये कहा था मेरे को, समझ के राट पट्टी दिया करो भाई, हम क्या आपको अलीबाग से आए लगते हैं, कुछ एक और एक वर्ड बताओ, समझ के राट पट्टी दिया करो भाई, हम क्या आपको अलीबाग से आए लगते हैं, मतलब ये ऐसा बोला कि राट पट्टी दो अलीबाग से आए, आपको क्या लगता है हम लोग राट पट्टी देते, आपको लगता है सर, लगता है क्या बताओ मेरे को, राट पट्टी देते हैं अलीबाग से आए, बहुत ये शब्द सुन के ही मेरे को ना मेरा ये दिमाग हिल जाता है पूरा इसके लिए। तो अभी आदित्य जी आप वीडियो ये मत डालो सॉरी बोलने का, आप शो में ही सॉरी बोलो सबके सामने, जो ये गलत अपने चीज़ बोली है ना वो शो में बोली, बिकॉज आपने ये अकेले नहीं बोला है कि मैं अलीबाग से, आपने शो में बोला है, बहुत लोग ऐसे हैं उससे मजाक उड़ा है, तो आप जाके शो में बोलिए।
जैसे कि आप किसको शादी करना, और मैं एक बात बोलता हूँ आपको, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बंगलो है वहाँ पे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, मैं छोटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, शाहरुख खान से लेके बात कर रहा हूँ, उनके बंगलो है वहाँ पे, वरुण धवन वहाँ पे शादी करने जाता है अलीबाग में, और सब सेलिब्रिटी को वहाँ पे बुलाता है। बताओ मेरे को, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पे जा रहे हैं और आप उस जगह को बोल रहे हैं कि अलीबाग से है, नहीं ये गलत है आदित्य भाई, ये गलत है, ये आप गलत बोल रहे हो, गलत कॉमेडी कर रहे हो। आपको, आप भी जाओगे ना अलीबाग कभी ना कभी, आप भी वहाँ पे पार्टीज करने जाओगे ना, नहीं जाओगे बताओ मुझे, जाओगे आप? तो क्यों गलत, ये गलत लोगों गलत नाम लेके क्यों हंसा रहे हो? ऐसा कुछ यूज नहीं है ये, क्या आप जिनको नहीं पता है वो मजा ले रहे, लेकिन जो आपके फैंस अलीबाग के है उनको तो बुरा लग रहा ना, उनको हेट हो रहा आपके बारे में। तो ऐसा शब्द मत बोलिए, ये गलत है। मेरे भाई और बंधु, मेरे दोस्त लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स जो कि अलीबाग से है, उनको क्या लगता है कि ये, मतलब ये बोलते हैं, ये क्या क्या होता है, ये फीलिंग्स क्या होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बिकॉज मैं तो ये वीडियो के लिए आपको नहीं बोलूँगा कि मेरे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पर मेरे को, मेरा हार्ट में जो फील हुआ ना, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना गाइस। ओके, चलो, थैंक यू।